नमस्कार। पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा था मराठी आंतर भारती कक्षा नौवीं, इसका पहला पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, संतवाणी। संतवाणी ये पार्ट देखने के पहले मैं आपको थोड़ा सा संतवाणी के बारे में बताना चाहती हूँ। सर्वप्रथम बच्चों, संतवाणी यानी संतों की वाणी, संतों के विचार। महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा गया है। महाराष्ट्र में बच्चों बहुत सारे संत हो गए हैं, जैसे कि संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत गोरा कुंभार, संत सावतामाळी, संत चोखा मेळा आदि। उसमें से ही एक संत है चोखा मेळा। तो बच्चों चलो हम पढ़ते हैं संतवाणी। बच्चों संतवाणी में हमें दो अभंग दिए हैं। एक अ नंबर का अभंग है बहुहा दयाळु, और दूसरा आ नंबर का अभंग है अनाथांचा नाथ। तो आज हम पढ़ेंगे अभंग बहुहा दयाळु। तो चलो देखते हैं अभंग बहुहा दयाळु। सर्वप्रथम हमें जानना चाहिए कि अभंग यानी क्या, अभंग किसको कहते हैं, किसे कहते हैं अभंग। तो बच्चों अभंग यानी जिसका भंग नहीं होता उसको हम अभंग कहते हैं। अब भंग होना यानी क्या, भंग होना यानी नष्ट होना, खत्म होना। तो संतों के ये अभंग अमर हैं। इन्होंने यानी इन संतों ने जो विचार अपने अभंग में बताए हैं वो आज भी काम के हैं, वह कभी भी भंग नहीं होते, यानी उस विचारों का आदान प्रदान आज भी होता है। तो चलो देखते हैं अभंग बहुहा दयाळु। इस अभंग की रचना की है संत चोखा मेळा इन्होंने। तो पहले अपन इसका परिचय देखेंगे। परिचय, संत चोखा मेळा। संत चोखा मेळा यांचा जन्मशक उपलब्ध नाही, यानी इनका जन्म कब हुआ इसकी कोई उपलब्धि नहीं। इसवी सन 1338 हा त्यांचा समाधी शतक सांगितला जातो, यानी 1338 ये उनका समाधी शक है। अब समाधी शक यानी क्या, समाधि, समाधि किसको बोलते हैं। तो समाधि यानी, देखो बच्चों, सर्व सामान्य व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेता है और वापस वो फिर से सांस नहीं लेता, उसको कहते हैं मृत्यु। और जो योगी पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं और फिर से सांस नहीं लेते, ले नहीं पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समाधि। संत चोखा मेळा यांच्या अभंगातून भक्ताच्या हृदयातील कारुण्य जसे प्रकट होते, तशी सामाजिक विषमतेची उपेक्षेची खंतही व्यक्त होताना दिसते। कि संत चोखा मेळा इन्होंने अपने अभंग में क्या बताया है कि भक्तों के हृदय की जो करुणा है वो प्रकट होती है, उसी प्रकार से सामाजिक विषमता यानी समाज में बहुत सारे विषमता है, जैसे कि जाति पाति धर्म भेद, अमीर गरीब, इस प्रकार की जो विषमता है वो विषमता और उपेक्षा यानी कि कोई क्या बोलेंगे हम, उपेक्षा को अवहेलना किसी की, ईर्ष्या उदासीनता, किसी का निरादर करना इसको बोलते उपेक्षा, घृणा करना, जैसे कि ये अमीर है तो उसको अच्छा बोलो और गरीब है तो उसकी क्या करो, उपेक्षा करो। जो उच्च जाति का है उसको क्या करो, मान सम्मान दे दो, और जो नीची जाति का है उसको दूर करो, इसको क्या बोलते हैं, उपेक्षा। तो इसका दुख उनके इस अभंग में हमें दिखता है। भागवत धर्माचे सार त्यांच्या व्यक्तित्वात, त्यांच्या कृतीभुक्तीत अनुभवायला मिळते। महाराष्ट्र में जो भागवत धर्म है तो इसका जो सारांश है उनके व्यक्तित्व में, उनके कृति में, उक्ति में हमें क्या करता है, उनके विचारों से दिखता है।
अब इस अभंग में हमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत अभंगातून संत चोखामेळा यांनी परमेश्वराच्या कनवाळू रूपाचे वर्णन केले आहे। इस अभंग में उन्होंने संत चोखामेळा इन्होंने परमेश्वर का कनवाळू, कनवाळू यानी प्रेम करने वाला, इस रूप का वर्णन किया हुआ है। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं अभंग बहुहा दयाळु। सबसे पहले मैं अभंग पढ़ूंगी और आशा करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी अभंग पढ़ेंगे। तो चलो पढ़ते हैं अभंग। बहुहा कनवाळू नि बहुहा दयाळु, जाने लड़ा पाळू भाविकांचा। जातवित गोत न पाहेची काही, घालावीये पायी मीठी उगी। न मागता आभारी आपे आप होतो, भाविकांसी देतो भुक्ती मुक्ती। चोखा म्हणे ऐसा लाघवी श्रीहरी, भव भयवारी दर सॉरी भव भयवारी दरुशने। तो ये अभंग मैंने यहाँ पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं, पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं तो हमें इस अभंग को समझने में आसानी जाएंगी। तो देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ बहु यानी बहुत, कनवाळू यानी दयालु, दयाळु यानी दयालु, जात यानी जाति जमात, लड़ा यानी प्रेम, जाने यानी जानना, भाविक यानी भक्त, वित यानी रहने का दर्जा, पाई यानी चरणों में, मीठी यानी पकड़ना, उगी यानी शांति से, आभारी यानी कृपामय, आपे आप यानी स्वयं या सहजता से, देतो यानी देता है, भुक्ति यानी जीने का श्रेय, मुक्ति यानी मोक्ष, लाघवी यानी प्रेम करने वाला, श्रीहरि यानी परमेश्वर, भव भय यानी जीने का डर, वारी यानी नष्ट करना, दरुशने यानी दर्शन से। तो ये हो गए शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इस अभंग का अर्थ। देख, बहु हा कनवाळु नि बहु हा दयाळु, जाने लड़ा पाळु भाविकांचा। बहु बहु यानी बहुत, कनवाळु यानी प्रेम करने वाला, करुणा करने वाला, दयाळु यानी दयालु। ये परमेश्वर कैसा है? बहुत करुणा करने वाला है, प्रेम करने वाला है और बहुत दया करने वाला है, दयालु है। जाने लड़ा पाळु भाविकांचा यानी ये भक्तों का मन जान लेता है और क्या करता है, अपने पूरे भक्तों पर, सब भक्तों पर समान प्रेम करता है, सबके साथ समानता की वर्तनुक करता है। जात वित गोत न पाहेची काही, घालावीये पाई मीठी उगी। जात जात यानी अपनी जात या जाति जमाती, वित यानी रहने का दर्जा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गोत यानी गोत्र या इसको घराने भी बोलता है, घराना। न पाहेची काही, ये परमेश्वर कैसा है? सबके साथ समान रहता है, सबको समानता से देखता है, वो किसी की जात नहीं देखता, किसी का रहने का दर्जा नहीं देखता, किसी का घराना नहीं देखता है कि ये ऊंचे घराने का है तो इसको ज्यादा महत्व दे दो या ज्यादा प्रेम करो, और वो नीचे घराने का है तो उसको कम प्रेम करो, या जिसको जिसके पास बहुत पैसा है, अमीरी है तो उसको क्या करो, अपने पास रख लो, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको दूर कर लो, या कोई जाति ऊंचा जाति का है तो उसको अच्छा मान सम्मान दे दो, और नीची जाति का है तो उसको दूर करो। इस प्रकार का व्यवहार परमेश्वर कभी नहीं करता।
जात वीत गोत न पाहेची काही, यानी कभी भी वो जाति अवीत और गोत्र नहीं देखता है, सबको एक समान देखता है। घाला भी है पाई मीठी उगी, पाई यानी चरणों में, सभी भक्त किसी भी जाति के हो किसी भी गोत्र के हो वो परमेश्वर के चरण पकड़ सकते हैं। न मांगता आभारी आपे आप हो तो भावी कांसी दे तो भुक्ति मुक्ति। न मांगता यानी कभी भी कुछ भी नहीं मांगता है। न मांगते हुए भी आभारी यानी कृपामय होना। आपे आप यानी स्वयं वो भक्तों से कुछ भी नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी अपना कृपा छत्र भक्तों पर रखता है, कृपामय उनके लिए भक्तों के लिए हो जाता है। भावी कांसी दे तो भुक्ति मुक्ति, और अपने जो भक्त है उन भक्तों को क्या करता है, मुक्ति देता है, जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। चोका मने ऐसा लाघव श्रीहरी भव भयवारी दरुशने। चोखा चोखा यानी संत चोखा मेला, मने यानी कहते हैं, तो संत चोखा मेला कहते हैं कि ऐसा लाघवी यानी प्रेम करने वाला श्रीहरि यानी परमेश्वर, ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर भव भय वारी दर शुने। भव भय यानी जीने का डर, अपने जीवन में बहुत सारी यातनाएं आती है, दुख आता है, कष्ट आता है, तो ये जीवन जीने का जो भय है वो क्या करता है, वारी यानी दूर करता है, नष्ट करता है। दरुशन यानी केवल परमेश्वर के दर्शन मात्र से हमारी सारी चिंताएं, हमारे सारे डर भय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुहा दयाणु इस संतवाणी में संत चोखा मेड़ा इन्होंने वर्णन किया हुआ है। फिर से एक बार देखते हैं, बहु हा कनवाड़ू नि बहु हा दयाड़ू जाने लड़ा पाड़ू भाविकांसा। परमेश्वर कैसा है, बहुत ही कृपालु है, दयालु है, और भक्तों का मन जान लेता है और क्या करता है, उन पर समान प्रेम करता है। जात वीत गोत न पाहे चिकाही, घाला भी है पाई मीठी उगी, वो किसी की भी जाति वीत और गोत्र यानी घराना नहीं देखता है, और सभी भक्त परमेश्वर के चरणों में क्या कर सकते हैं, उनके चरण पकड़ सकते हैं। न मांगता आभारी आपे आप हो तो, वो किसी को कुछ भी नहीं मांगता है, अपने भक्तों को कुछ भी नहीं मांगता है, फिर भी अपनी कृपा स्वयं अपने से ही उन पर करता रहता है। भावी कांसी दे तो भुक्ति मुक्ति, और अपने भक्तों को क्या देता है, मुक्ति देता है। चोखा मने ऐसा लाघवी श्रीहरि, संत चोखा मेला कहते हैं कि इस प्रकार से ये परमेश्वर प्रेम करने वाला है, भव भयवारी दरुशने, और हमारा जो जीवन जीने का भय है, सारी यातनाएं क्या करता है, उसके दर्शन मात्र से सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अभंग है बहुहा दयाळु। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, हम देखते हैं बंध पूर्ण कर स्वाध्याय, यानी इस आकृति में जो प्रश्न दिया है उसके उत्तर हमें यहाँ लिखना है। तो प्रश्न है, संत चोखा मेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे। संत चोखा मेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे कोणती, कि संत चोखा मेळा इन्होंने परमेश्वर के लिए कौन कौन से विशेषण उपयोग में लाए हैं। तो सबसे पहले हमें तो विशेषण किसको कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा विशेषण यानी क्या होता है, क्या होता है विशेषण यानी संज्ञा के बारे में जो शब्द विशेष जानकारी देता है हम उसको क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे कि यहाँ संज्ञा क्या हो गई, परमेश्वर,
और परमेश्वर के बारे में विशेष जानकारी कौन सी शब्द दे रहे हैं? कनवाड़ु दयाड़ु, यानी परमेश्वर कैसा है, कनवाड़ु भी है और दयाड़ु भी है। यानी कि कौन कौन से विशेषण आए हैं इसमें? कनवाड़ु और दयाड़ु। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? कनवाड़ु और दयाड़ु। प्रश्न दूसरा है, चौकटी पूर्ण करा, यानी ये जो चौकट दी है ना, ये हमें पूरी करना है, उसमें लिखना है उत्तर। तो अ, परमेश्वर जानतो, परमेश्वर जानता है। क्या जानता है? मैंने अभी आपको कविता में पढ़ाया है, जाने लड़ा पाड़ू भावी कांचा। क्या जानता है? भावी कांचा लड़ा। आ, परमेश्वर पाहत नहीं, परमेश्वर नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है? जात, वीत और गोत। ई नंबर का प्रश्न है, भक्त परमेश्वराच्या पायावर घालतात, यानी कि भक्त परमेश्वर के चरणों में क्या करते हैं? मीठी, मीठी यानी चरण पकड़ना। परमेश्वर भाविकांना देतो, अगला ई नंबर का प्रश्न है, परमेश्वर भाविकांना देतो, क्या देता है? अपन आप लोगों ने कविता में पढ़ा है, भावी कांसी देतो भुक्ति मुक्ति। क्या देता है? भावी यानी भक्त, भक्तों को देता है भुक्ति और मुक्ति। बड़ी ई नंबर का प्रश्न है, परमेश्वर भाविकांना देतो, हमने पढ़ा है किताब में, भावी कांसी देतो भुक्ति मुक्ति, यानी क्या देता है? भुक्ति मुक्ति। अब प्रश्न तीसरा है, परिणाम लिया, इधर घटनाएं दी है, उत्तर में हमें उसके परिणाम लिखने हैं। तो पहली घटना है, देवाचे दर्शन घेतले, भगवान का दर्शन किया, तो उसका क्या परिणाम हुआ? भव भयाचे निवारण होते। क्या उत्तर लिखेंगे? भव भयाचे निवारण होते। दूसरी घटना है, भक्ताने भक्ति केल्याचा परिणाम, भक्त भक्ति करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम, भक्तांनी न मागता परमेश्वर स्वतःहूनच त्यांना सर्व देतो, यानी कि भक्तों को मांगने की जरूरत नहीं, न मांगते हुए भी परमेश्वर स्वयं ही उनको सब कुछ देता है। ये हो गया उसका उत्तर। बात का प्रश्न है, परमेश्वर भेदभाव करत नहीं, हा विचार अभंगाच्या आधारे पटवून द्या, यानी कि परमेश्वर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, इस अभंग के आधार पर आप बताओ। उत्तर, बहु हा दयाळु, या अभंगामध्ये संत चोखामेळा यांनी परमेश्वराच्या कनवाळू व दयाळू रूपाचे वर्णन केले आहे, यानी बहु हा दयाळु, इस अभंग में संत चोखामेळा इन्होंने परमेश्वर के दयालु रूप का वर्णन किया है। परमेश्वर हा प्रेमळ व दयाळु आहे, परमेश्वर कैसा है? प्रेम करने वाला है, दया करने वाला है, तो आपल्या भक्तांवर प्रेम करतो, भक्तांची जात वीत गोत असा भेदभाव करत नाही, और भक्तों पर क्या करता है? प्रेम करता है, और भक्तों की जाति और वीत और गोत्र इसमें भेदभाव नहीं करता, सर्व भक्तांवर सारखेच प्रेम करतो, सभी भक्तों पर एक समान प्रेम करता है। तो यह है प्रश्न चौथे का उत्तर। अगला प्रश्न है, परमेश्वरा बद्दलचा संत चोखामेळा यांचा उत्कट भक्तिभाव तुमच्या शब्दात लिहा। परमेश्वर के बाबत संत चोखामेळा इन्होंने जो अपना उत्कट भक्तिभाव दिखाया है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो उत्तर, संत चोखामेळा यांनी बहु हा दयाळु या अभंगात परमेश्वराच्या उत्कट भक्तीचे वर्णन केले आहे। संत चोखामेळा इन्होंने बहु हा दयाळु इस अभंग में परमेश्वर की उत्कट भक्ति का वर्णन किया है। ते म्हणतात, परमेश्वर हा खूप कनवाळु प्रेमळ व दयाळु आहे, कि परमेश्वर कैसा है? बहुत प्रेमळ यानी प्रेम करने वाला है, दयालु है, करुणा करने वाला है, आपल्या भक्तांवर तो खूप प्रेम करतो,
अपने भक्तों पर बहुत प्रेम करता है। भक्तांमध्ये जात पात गोत्र असा भेदभाव करत नाही, सर्वांवर समान प्रेम करतो। जाती पाती और किसी का घराना और किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का दर्जा नहीं देखता है, सब पर समान प्रेम करता है। और भी है, भक्तांनी शांतपणे परमेश्वराच्या पायाला मिठी घालावी, परमेश्वर भक्तांसाठी काहीही न मागता कृपामय होतो। की भक्त बहुत शांति से प्रेम से परमेश्वर के चरणों को पकड़ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों को कुछ भी नहीं मांगता, फिर भी क्या करता है, अपने भक्तों पर कृपा करता है। वह त्यांना सर्व काही देतो और उनको क्या करता है, सब देता है अपने भक्तों को। आपल्या भक्तांना तो जगण्याचा मार्ग दाखवतो, अपने भक्तों को जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। वो मुक्ति पण देतो और मोक्ष भी देता है। अशा परमेश्वराच्या दर्शनाने भक्तांची भव भयापासून सुटका होते। अशा प्रकारे परमेश्वराबद्दलचा संत चोखामेळा यांचा उत्कट भक्तिभाव दिसून येतो। इस प्रकार से संत चोखामेळा इनका परमेश्वर के बाबत उत्कट भक्तिभाव हमें दिखाई देता है। तो ये हो गया स्वाध्याय इस संतवाणी का। अगले वीडियो में हम बच्चों देखेंगे अनाथांचा नाद। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो में कोई खामियां दिखे या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालती रहती हूँ। अगर आपको अपडेट रहना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें, जिससे मैं और